वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हमारे कन्नड़ के जो कवि हैं बहुत ही रिनॉन नोटेड रिप्यूटेड पोएट, जिनका भी हाल ही में बेंगलोर में एक प्ले भी कमा प्ले भी कासंद्रा सर कासंद्रा वो स्टेज किया गया एच एस शिव प्रकाश, बहुत ही मकबूल नाम है कन्नड़ अदब का। शायरी के अलावा वो ड्रामे भी लिखते हैं, नसर भी लिखते हैं, कालम भी लिखते हैं, बहुत सारी उनकी अदबी खिदमत हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारी महफिल में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ऐसा अजय कुमार सिंह अजय साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि गज़ल को हिंदी में सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज दुष्यंत कुमार ने किया है। हिंदी के अलावा दीगर जुबानों में भी गज़ल लिखी जा रही है, मेरा ख्याल है गुजराती में वो मकबूल भी है, लेकिन कन्नड़ में रतीफ काफिये के स्ट्रक्चर को रखकर गज़ल लिखना थोड़ा मुश्किल है। अंग्रेजी में एक उन्होंने लिखा है, तो ये देखते हैं कि शिव कुमार साहब ने रजीफ और काफियों को बरकरार रखा है, राइमिंग वर्ड्स और जो है उसको आपने रखा है, नहीं रखा है सुनने के बाद अंदाजा होगा। पर वो उन्होंने कन्नड़ में गजलों की इब्तदा की है। आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम ऑन डायस एंड रिसाइट योर कन्नड़ गजल व्हिच विल बी सर व्हिच विल बी फॉलोड बाय उर्दू ट्रांसलेशन बाय मिस्टर खलील। ನಾಕು ಇದ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಋತುಗಳೇ ಏನು ನಾಕು ಹೂವ ನಿನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಡಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದೆ ನಾಕು ಗಮನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸು ನಾಕು ವರ್ಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾಕು ದೆಸೆಯ ಅಣಿಗೆ ನಾಕು ಮತ್ತೆ ಕವಿತೆ ತೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊ ನನ್ನ ನೀನು ತೊರೆದಿಗೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿನ ಬಿಡು ಕಡೆಯ ಗುಲುಗುಲು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಸಾವನ್ನನ್ನು ಬರೆಸಿದ ಕೇಳಬೇಡ ಕೇಳಬೇಡ ಎಷ್ಟು ನೀಳ ವಿರಹ ದುಡಿಯ ಇರುಳು ಅದರದೇ ತಾಲೀಮಿನಂತೆ ಗತದ ಪ್ರಳಯಗಳು ಕೇಳಬೇಡ ಎಷ್ಟು ನೀಳ ವಿರಹ ದುಡಿಯ ಇರುಳು ಅದರದೇ ತಾಲೀಮಿನಂತೆ ಗತದ ಪ್ರಳಯಗಳು ಹಿರೇಕರು ಮಾಡಿ ಹೋದ ಘೋರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಇವು ಆಸೆ ತಾನೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ತಮದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇವೆಯಿಗೋ ಹೃದಯದ ಬಳಿಕ ಮಗ 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 ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯ ಆಕೆ ಅದರದಲ್ಲಿ ಲಕುತದಲ್ಲತ್ತಿ ತೆಗೆದ ಹೂ ಪಕಳೆ ಹೆಂಗಸಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಬುದ್ಧನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳದೆ ಹಾಳಾದರು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಆಪ್ತನಾದ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳದು ತೋಳಮೇಹ ಮುಳುಗಲಿ इतना तो मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल किया था, मुझे लगा कि और बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब खलील महमूद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन कन्नड़ गज़लों का उर्दू में तर्जुमा हो। शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है किसी भी जबान में। जो जिन लोगों ने तर्जुमे के बारे में बात कही है उन्होंने ये कहा है कि एट द मोस्ट इसको पैराफ्रेज किया जा सकता है अपने तौर पर भावानुवाद रिक्रिएशन। तो मैंने भी इसी को फॉलो किया है। पहले जो गजल उन्होंने पढ़ी थी मैंने अपने तौर पर उसको ट्रांसलेट किया है। कहाँ तक सही है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। कब के आए गए चार दिन
बाकी कृष्णा बचा अलविदा। कब के आए गए चार के, बाकी कृष्णा बचा अलविदा, तेरे जुड़े के फूल का झोंका बाकी रहा अलविदा, तेरे जुड़े के फूल का झोंका बाकी रहा अलविदा, हर सदा से तेरा नाम मीठा शहर से भी बहुत, हर सदा से तेरा नाम है मीठा शहर से भी बहुत, शहजहां को सुनाया इसे गूंज उठा सो फला अलविदा, शहजहां को सुनाया इसे गूंज उठा सो फला अलविदा, है हसीन चार जेवर तेरे चार अशार मोहलिक में, है हसीन चार जेवर तेरे चार अशार मोहलिक मेरे, प्रेम दे भी अगर तू ने रहे तेरे सदा प्रेम दे भी अगर तू ने रहे तेरे सदा अलविदा, हम तो जिंदा में होते हुए घी ताजा घी के खाते, हम तो जिंदा में होते हुए घी ताजा घी के खाते हैं, शुभ प्रकाश मर गया है मगर गूंजती है सदा अलविदा, गूंजती है सदा अलविदा। दूसरी गजल जो उन्होंने पढ़ी थी वो है, ये थोड़ा सा मैंने इसको मुश्किल ये काफिए में लिखी है, जैसे निकला वैसे मैंने कह दिया, मत पूछ कितनी लंबी थी रातें फिराक, मत पूछ कितनी लंबी थी रातें फिराक की, हर रात की कयामत कुबरा सुबाक की, हर रात की कयामत कुबरा सुबाक की, कुफारा दे रहा था मैं सारे वजूद का, कफारा दे रहा था मैं सारे वजूद का, लटका हुआ था दूर से मैं इन शकार की, लटका हुआ था दूर से मैं इन शकार की, तारे उम्मीद के सभी जुल्मत में खो गए, तारे उम्मीद के सभी जुल्मत में खो गए, धड़कन की फिर भी कल्प में क्यों इस तरह, धड़कन की फिर भी कल्प में क्यों इस तरह की, वो मोतरस है नुक्को बयां पर मेरे बहुत, वो मोतरस है नुक्को बयां पर मेरे बहुत, क्या कुलियत का कहना है दुनिया निफाक, क्या कुलियत का कहना है दुनिया निफाक, दुनिया निफाक की लाली दवा में महक थी उसके लबों की थी, लाली दवा में मेहर की उसके लबों पे थी, किसको खबर ये दावत है मर के फिराक की, किसको खबर ये दावत है मर के फिराक की। एक इस ताल्लुक से आपके सामने एक शेर, एक मशहूर शायर है उर्दू के अहमद मुश्ताक, आपने सुना हुआ गाना, उनका बहुत मशहूर शेर है, बला की चमक उसके चेहरे पे थी, बला की चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी वो मर जाए, बला की चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी वो मर जाएगा। एक और शेर उनका सुनाता हूँ, बहुत अच्छा शेर है, अब कहाँ मुश्ताक दिल में, अब कहाँ मुश्ताक दिल में याद रंगे रफ्तगा, अब कहाँ मुश्ताक दिल में याद रंगे रफ्तगा, फूल महंगे हो गए खबरें पुरानी, अब कहाँ मुश्ताक दिल में याद रंगे रफ्तगा, फूल महंगे हो गए खबरें पुरानी। शेर इनका सुनिए, इस नीम उस नीम वाव निगाह से लाजिम है दुनिया, उस नीम वाव निगाह से लाजिम है दुनिया, बुद्धा को भूल बैठे जमी है निफाक, बुद्धा को भूल बैठी है भूल बैठी जमी है निफाक की, गिरिया में चीखती है मोहब्बत की लाश, गिरिया में चीखती है मोहब्बत की लाश, शिव यारब तू बंद कर भी दे जुल्मत वक्त,
11 तो बंद कर भी है जुम्मत रिवाज। यहाँ मैं कुछ बातें शोकदास के बारे में कहना चाहूँगा कि न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जबानों में जो शायरी हो रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया में जो शायरी हो रही है उसमें ये एक अनमोल वतन है। क्या बात है, मेरी नज़र इस तरह की शायरी उर्दू वाले खसूसन उर्दू वालों को इस तरह की शायरी को उससे ये जो है आगाही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की शायरी उर्दू तो क्या किसी और ज़बान में भी हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। इन्होंने पाब्लो नेरुदा ने एक नज़्म लिखी थी, एक वहाँ की पहाड़ी जो पिक्चर है उस पर इन्होंने जो नज़्म लिखी है वो मेरे हिसाब से पाब्लो नेरुदा की नज़्म से अच्छी हो सकती है। इन्हें उनकी नज़्म से इनकी नज़्म अच्छी है, जो इनके एहसास और इनके ख्याल ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये एक नज़्म मैं सुनाता हूँ। गर्मियों में अपने बाग में काले अंगूरों के गोल और नरम खोशे बालकोनी में अपने आप को फैला रहे हैं। ये बताओ कभी किसके आँख के गिने थे, किस दौर की बरसात से आती हुई ठंडी सवा के झोंके मेरे थके जिस्म को सहलाते हुए। ये बताओ किसके सांसों की खुशबू थी है, आतिश बजान सूरज जो दोपहर में समंदर को सुनहरी कर रहा है अपने आप को जलाते हुए। मुझे बताओ वो किसके दिल की आरजू थी, वेल मछलियों और मगरमच्छ से भरे समंदर जौफिशा मोती और मूंगे और चिंगारती हुई मौजें। मुझे बताओ कि किसकी डरी डरी नींदों में छिपे थे ख्वाब सब्स नीली और खाकी जमीन, किसी पागल रखासा की तरह रक्स करते हुए। मुझे बताओ कि ये कौन से गहरे जज्बात का रक्स थे, ये कौन से गहरे जज्बात का रक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.